हेलो एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति के ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आप सब बताओ, आपका आज का दिन कैसा जा रहा है? तो आज मकर संक्रांति है और मेरे घर में तिल के लड्डू, बहुत सारे लड्डू बनते हैं यार, अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारा लाइव जो होता है ना, मुढ़ी का, चूड़ा का, तिल का पीठा जो हम लोग कुछ दिन पहले बनाए थे, तो आज हम वो सब कुछ बनाने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी लेकिन सब कुछ बनाऊंगी आप सबके साथ। आई नो कि मेरा ब्लॉग बहुत लेट अपलोड होता है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, मुझे कंसीडर करना और मेरी ये विशेष को आप सब एक्सेप्ट करना। तो चलो किचन आ जाओ। सो गाइज, आप देख सकते हो ये तिल है, मैं तिल लेकर आई हूँ। ये दूध है जिससे खोवा भी निकालूंगी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये आलू है, तो मैं एक नमक वाला पीठा बनाऊंगी और एक मीठा खोए वाला। तो चलो पहले से वॉश करती हूँ, दूध को चढ़ाती हूँ, पहले खोआ निकालती हूँ, इसे बॉईल करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो मेरा बिग बॉस भी चल रहा, मिलती हूँ। तो लो जी, मैंने यहाँ क्या कहते हैं, इधर मैंने आलू चढ़ा दिया, थोड़े से बनाने यार, एक आदमी का कितना ही बनेगा। तो मैंने छोटे छोटे चार आलू डाल दिए और ये हाफ लीटर ही दूध पे सुखा रही हूँ बस। और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदूंगी, तिल का लड्डू थोड़ी देर बाद बनाती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका प्रोसेस शुरू करूँगी। इसे करती हूँ साइड, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इधर दूध तो हो रहा है, मैं सोच रही लगे हाथ पहले केसर का दूध भी इसमें ऐड कर ही दूँ। फोर फ्लेवर केसर का खोआ, अभी ये भी नहीं हुआ है। सॉरी सॉरी, हमें कर दी घी डालना था, चलो डालना। तो फाइनली ये मेरा आलू भी रेडी हो गया, ये आटा भी गूंद गया। अब मैं सोच रही हूँ पहले आलू को फ्राई कर लिया जाए। तो गाइस, थोड़ा सा पहले हम अजवाइन डालेंगे। आलू का चोखा और अजवाइन का क्या ही बताऊं। आप देख सकते हो मेरा खोवा कितना प्यारा निकला है, केसर है तो पूरा येलो येलो हो गया, और टेस्ट तो आप पूछो मत, बहुत थिक यम टेस्ट आता है। तो मेरा यहाँ तेल गर्म हो गया, अजवाइन भी ऑलमोस्ट हल्का सा पक गया। अब मैं डालूँगी प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च। ओ गॉड। तो गाइस ये आलू, इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। हल्का सा चाट मसाला। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, आधा फ्राई हो गया है। अब मैं इस आलू को डाल दूँगी। हल्दी, तो
तो गाइस मैं यहाँ पर शुरू कर दी हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन रहेगा और एक हाथ से तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी ना, तो मैं अभी खोआ वाला मैं इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये वाला बनाऊँगी। तो आई एम सॉरी ये प्रोसेस मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक हाथ में मेरा फ़ोन है और एक हाथ से तो पॉसिबल ही नहीं है। शक्ल दिखा देती हूँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं फटाफट ही कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ तब तक के लिए। तो फाइनली वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया गाइस, और अभी क्या है ना पिछली भी वीडियो में बनाई थी ये खोआ वाला, तो हम लोग दूध में उसे बॉईल किए थे, इस बार हम दूध में बॉईल नहीं कर रहे, इस बार मैं स्टीम करके बना रही हूँ। जी हाँ, स्टीम करके इसलिए बना रही क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने वो खाया था, तो मुझे लगा नहीं इस बार स्टीम करके बनाते हैं, और स्टीम वाला ना थोड़ा उससे ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यस, मैं एक स्टीम वाला लेकर आई थी, वो मतलब प्रॉपर स्टीमर नहीं है पर थोड़ा बहुत काम चलाने लायक है, तो इसी में मैं बना रही हूँ। तो मेरा पानी देखिए अब गर्म हो गया। ये स्टीमर है गैस, ये प्रॉपर स्टीमर नहीं है, इसका ये पीछे लगता है, लेकिन ये क्या है ना इतना बड़ा है, इसी बहुत बड़ा है, तो ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक टिफिन का ढक्कन रख ली हूँ और इसे मैं इसके बनाऊंगी। यस, अब थोड़े से स्टीम कर देती हूँ, बस थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो आप देख लो ज़्यादा नहीं बनाए हो, गिनकर 1 2 3 4 5 6 बनाए, और इसमें देखो मैं घी लगा दी हूँ, आप इसे सारा रखो। तब तक मैं ये रेडी कर लेती हूँ, बस चेक कर ले क्या बना या नहीं, देखती हूँ। ओह माय गॉड, लुक सो नाइस सो नाइस सो नाइस। देखो कितने अच्छे से, मैं जोर से पटकी होती फट गया, यानी ये प्रॉपर ही पक चुका है। अरे यार ये तो मेरे से सपट रहा है गाइस, सपट रहा है। तो वैसे ये ना मैं जो यूज़ करी थी गलत यूज़ करी थी, आप देखो स्पून से कितना प्यार से निकल रहा है सारा, तो मैंने सारे स्पून से मैंने निकाल दिया, तो ये पीठा मेरा हो गया तैयार। ओ माय गॉड कितना सॉफ्ट है ना, आप देखो थोड़ा सा ऐसे मैंने किया तो वो फट गया, तो आप समझ सकते हो कितना सॉफ्ट होगा। तो चलो मैं ये भी रेडी करती हूँ, इसे भी मैं फटाफट करती हूँ, इसमें भी पानी फिल करना होगा उसके बाद, तो ये सब करती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ज़्यादा नहीं चार ही बनाई हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। 5 मिनट्स हो गए, आप देखते हो बना या नहीं बना। गॉड ये तो पूरा बहुत ही अच्छा बन रहा है गाइस, पानी से तो इतना सॉफ्ट बना। चलो इसे मैं निकालती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइज़ आपने देखा मेरे पीठा का रेसिपी, आई होप कि आप सभी को ये पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना। अब मैं जा रही हूँ तिल का लड्डू बनाने के लिए, लेकिन तिल का लड्डू आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, तो प्लीज़ आप कंटिन्यूटी बनाए रखें गाइज़। और अगर ये ब्लॉग और मेरे पीठा की रेसिपी आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ MS रियल ब्लॉग। बाय एंड गुड नाइट। अब अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, कल मिलती हूँ तिल के लड्डू के साथ। सो गाइस ये भी मेरा फाइनल बन चुका है, अभी आने का। तो गाइस देखो आप ये मेरा बन गया, इसे निकाल देते हैं।